हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो बनारस के लिए जो ट्रेन का सर्वे पास हुआ था, आजमगढ़ ज़िले में बहुत ही जल्द उसका उद्घाटन किया जाएगा। और फ्रेंड्स, जो प्लेटफार्म नंबर 2 है उनका निर्माण कार्य बहुत ही तेज़ी से किया जा रहा है। प्लेटफार्म नंबर 4 के साइड में टिन शेडों का निर्माण का दिन प्रतिदिन लोग बहुत ही तेज़ी से कर भी रहे हैं। और जो प्लेटफार्म नंबर 1 का जो नया टिन सेट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर हमारे चैनल पर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। तो चलते हैं, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सामने आप देख पा रहे हैं प्लेटफार्म नंबर 1, और आप देख पा रहे हैं जो प्लेटफार्म नंबर 1 के साइड में इन पर मिट्टियाँ डालकर इनको पूरा बराबर किया जा रहा था क्रेन के माध्यम से। और बहुत ही जल्द इन पर भी ढलाइयाँ की जाएंगी, ताकि ढलाई हर जगह पर्याप्त मात्रा में हो जाएगी तो देखने में काफ़ी अच्छा भी लगेगा और काफ़ी चौड़ा भी हो जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं, काफ़ी चौड़ाई भी कर दी गई है प्लेटफार्म नंबर 1 का। और यहाँ पर बहुत ही जल्द आपको ढलाई भी मिलेगी। और फ्रेंड्स, जो प्लेटफार्म नंबर 1 है उन पर भी टिन शेडों पर लाइटें लग चुकी हैं पूरी तरीके से। ये आप देख पा रहे हैं, हर जगह मिट्टियां डाली गई हैं और काफ़ी चौड़ीकरण भी किया गया है। ये आप देख पा रहे हैं, ट्रैक्टर के माध्यम से मिट्टियां लाई जा रही हैं। और फ्रेंड्स, ये जो प्लेटफार्म नंबर 1 का नया फुट ओवर ब्रिज है वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं, आपको ऊपर चढ़ के दिखाते हैं और भी क्या क्या कार्य अभी हो चुके हैं प्लेटफार्म नंबर 1 के जो नया फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है। ये आप सीढ़ियाँ देख पा रहे हैं पूरी तरीके से, ये भी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, जो नया फुट ओवर ब्रिज है, जो सीढ़ियाँ बनी हैं उन पर भी फर्श लगाने का कार्य चलेगा बहुत ही जल्द। फिलहाल अभी जितने भी हैं उन पे स्प्रे पेंट का कार्य अभी चल रहा था। और ये आप देख पा रहे हैं प्लेटफार्म नंबर 4 की जस्ट साइड में प्लेटफार्म नंबर 2 के लिए बहुत ही तेज़ी से टिन शेडों का निर्माण कार्य किया जा रहा था। फ्रेंड्स, ये आप चादरें देख पा रहे हैं अलग अलग यहाँ पर रखी हुई हैं। इन चादरों को उठाकर वेल्डिंग के माध्यम से जोड़कर नए नए टिन शेडों का निर्माण कार्य बहुत ही तेज़ी से लोग कर भी रहे हैं। चलते हैं, और भी चीज़ें आपको दिखाते हैं और भी क्या क्या कार्य अभी हो रहे हैं।
इस वक्त हम प्लेटफार्म नंबर 4 पर हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं नए नए टिन शेडों का निर्माण कार्य बहुत ही तेजी से दिन प्रतिदिन लोग कर भी रहे हैं। आगे चल के दिखाते हैं क्या क्या कार्य और क्या क्या हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सामने आप देख पा रहे हैं ये टिन शेडों का निर्माण कार्य करके यहीं पर सामने रख भी रहे हैं और यहां पर पेंटिंग का कार्य भी यहीं पर भी चल रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी ये टिन शेड जस्ट बना कर रखे हुए हैं और आगे आपको दिखाते हैं किस प्रकार टिन शेडों का निर्माण कार्य लोग कर रहे हैं। चलते हैं आगे आपको दिखाते हैं। यह आप देख पा रहे हैं टिन शेडों पर गेरुए रंग से पेंटिंग किया जा रहा है, जो कि कंप्लीट हो चुका है ये टिन शेड। तो फ्रेंड्स, सामने आप देख पा रहे हैं प्लेटफार्म नंबर 2 पर टिन शेडों का निर्माण कार्य बहुत ही तेजी से किया जा रहा है और ये टिन शेड प्लेटफार्म नंबर 2 पर रखे हुए हैं। कहीं उन पर नट बोल्टों को कसा जा रहा है, कहीं पेंटिंग किया जा रहा है, कहीं पर उनको रंगाई पुताई किया जा रहा है और बहुत ही जल्द आपको नए टिन शेडों पर बहुत ही जल्द और भी नए नए टिन शेड देखने को मिलेंगे। वो आप देख पा रहे हैं कितनी मात्रा में वहाँ पर टिन शेड रखे हुए हैं, जो कि उनको अभी लगाया जाएगा। चलते हैं, आपको नज़दीक से दिखाते हैं किस प्रकार टिन शेडों का निर्माण कार्य किया जा रहा है प्लेटफार्म नंबर 2 पर। तो फ्रेंड्स, सामने आप देख पा रहे हैं प्लेटफार्म नंबर 2 और प्लेटफार्म नंबर 1 पर 4:10 पर गोदान एक्सप्रेस आ चुकी है और ये आप देख पा रहे हैं गोदान एक्सप्रेस। चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं किस प्रकार टिन शेडों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह आप सामने देख पा रहे हैं टिन शेडों का निर्माण कार्य किया जा रहा है और टिन शेडों पर वेल्डिंग भी किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यह आप सामने देख पा रहे हैं कितने सारे ढेर सारे टिन शेड रखे हुए हैं, जो कि प्लेटफार्म नंबर 2 पर लगाए जाएंगे और किनारे किनारे प्लेटफार्म नंबर 2 पर टिन शेड लग भी चुके हैं और आप सामने देख पा रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं प्लेटफार्म नंबर 2 पर हर जगह आपको टिन शेड बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं और वहां पर टिन शेडों पर वेल्डिंग भी किया जा रहा है। ये आप देख पा रहे हैं टिन शेडों पर कोड भाषा में कुछ लिखा हुआ है, या फिर ये हो सकता है किस साइड कौन सा टिन शेड लगाया जाएगा ये कोड लिखा होगा, उससे पता चल सके।
तो फ्रेंड्स ये पुराना फुट ओवर ब्रिज है। पुराने फुट ओवर ब्रिज से आपको कुछ व्यू दिखाते हैं किस प्रकार निर्माण कार्य किया जा रहा है। ऊपर से आपको व्यू दिखाएंगे। क्या आप देख पा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 और आप सामने देख पा रहे हैं नया फुट ओवर ब्रिज। वो सामने आप देख पा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1।